हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक फॉर रियल। तो आज मैं आप सबको मर्फी रिचर्ड्स माइक्रोवेव के ऑटो कुक मेन्यू के इस्तेमाल से चिकन तंदूरी बनाना बताऊंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि आपके घर में मर्फी रिचर्ड्स की माइक्रोवेव है, तो हमें ऑटो कुक मेन्यू के बारे में कुछ बताएं। कुछ इस तरीके का दिखता है माइक्रोवेव। तो आप जो राइट साइड देख रहे हैं, ये बटन्स है, दीज आर द बटन्स बाय यू कैन सेलेक्ट विद द रेसिपीज। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके की दिखती है। ये जो आपको रेड कलर की इस पे पट्टियां दिखाई दे रही है, ये ऑटो कुक मेन्यू की लिस्ट है जिस पे आपको बटन्स के इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपको किस डिश के साथ कौन से बटन्स को क्लिक करना है ये बताया गया है। आपका किसी भी रीजन की वजह से ये लिस्ट अगर आपका निकल जाता है, या फिर कभी कभी ये ऊपर की साइड दे दिया हुआ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो आप गूगल कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं गूगल में टाइप करूंगी मर्फी रिचर्ड ऑटो कुक मेन्यू, तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ खुल जाती है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं पेज नंबर 81 पे। ये देखिए, पेज नंबर 81 पे जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए सीरियल नंबर 191 पे आपका तंदूरी चिकन और ब्रैकेट में आपका SP9 लिखा हुआ है। SP9 का मतलब है आपका जो माइक्रोवेव के ऊपर स्पेशल बटन लिखा हुआ है, उसे हम 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। ये देखिए, पूरा का पूरा मेथड भी दिया हुआ है यहाँ पे। आप चाहे तो मैरिनेशन का प्रोसेस आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं हम तंदूरी चिकन। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल 4 टेबलस्पून। ये देखिए, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल की जगह कोई और ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून चिली पाउडर। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून हंग कर्ड। आप मेक श्योर कि आपके दही में बिल्कुल भी पानी नहीं हो। अगर आपके दही में पानी रहेगा तो हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट नहीं हो पाएगा। अब ध्यान रखें, चिकन के मैरिनेशन के लिए आप हमेशा हंग कर्ड का ही इस्तेमाल करें, या फिर ऐसी दही ले जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। आप अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से मसाले कम ज्यादा कर ले। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और इसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये मैंने 1/2 टेबल स्पून दिया है, जिससे कि ये हमारा बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे। आप चाहे तो यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम चलते हैं चिकन की ओर। ये देखिए, इस तरीके से आपको चिकन के पीसेस को फोक की हेल्प से प्रिक कर लेना है। और प्रिकिंग करने के बाद इस तरीके से तैयार किए हुए मसालों के साथ उसे अच्छे से कोट कर लेना है। इस तरीके से हमें अच्छे से मसाले को इसके ऊपर मिक्स कर देना है। आप चाहे तो 4 से 5 घंटे के लिए भी इसे रेस्ट करने दे सकते हैं। मैंने 1/2 आवर के लिए इसे फ्रिज में रखा था। ये देखिए, 1/2 आवर के बाद मसाला अच्छे से कोट हो चुका है चिकन के ऊपर। आइए चलते हैं, तंदूर रैक को आप अच्छे से ग्रीज कर देंगे और इस तरीके से चिकन के पीसेस को हम अरेंज कर देंगे और माइक्रोवेव के अंदर इसे हम रख देंगे। और ये जो हमारा
ये देखिए, इस तरीके से हमें स्पेशल बटन को 9 times प्रेस करना है। अब इसके बाद मैंने वेट क्लॉक का बटन प्रेस किया है, देखते हैं। इसके बाद मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस कर दिया है, और जैसे ही मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस किया है, आप देख सकते हैं टोटल 18 मिनट्स का टाइमिंग शो कर रहा है। ये देखिए जैसे ही हमारा 9 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगा, तंदूर हमारा वन साइड से सिक के रेडी हो जाएगा। अब हमें इसे दूसरे साइड से पकाना है, तो इसके लिए हम माइक्रोवेव के नीचे स्टॉप और कैंसिल का बटन दबाएंगे, जिससे कि माइक्रोवेव स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद हम इसे बाहर निकाल के इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया वन साइड से हमारा सिक्के ये रेडी हुआ है। इस तरीके से हमें पलट देना है इसे, और अब हमें इसे वापस से 9 मिनट्स के लिए वापस से इसे पकाना है। तो ये देखिए, वापस से पकाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तंदूर रेडी हुआ है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक करके जाएं, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।